जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, NCERT दी 8th क्लास दी मैथ दी बुक दी एक्सरसाइज 8.3 नू कंटिन्यू करते हुए और अगले सवाल करिए। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और पहले क्वेश्चन पढ़िए। अरीफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, पार्ट सेकंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो भी अभी दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जिन्नी ज़्यादा जिन्नी छेती की कंपाउंडिंग होएगी, टी जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्ना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। सो इस गल का भी ख्याल रखना। अगर तुम बैंक में जाते हो तो कहने की है तुम जो इंटरेस्ट है यह हाफ ईयरली लेना चाहते हो, क्वार्टरली लेना चाहते हो, तो तुम कहना असं इंटरेस्ट क्वार्टरली लेना चाहते हैं, मतलब कि कंपाउंडिंग। जे कंप जे तुम क्वार्टरली लोगे, एवरी 4 मंथ्स ऐड लोगे तो तुम्हें ज़्यादा वह बेनीफिट होएगा। कहते अरीफ ने एक कर्जा लिता 80,000 का उधार पे बैंक तो ले, तो जे वो दर जी सी ब्याज की दर 10% है, तो फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, तुम वो जड़े उन्हें भुगतान करना है 1.5 साल बाद, 1.5 ईयर्स, 1.5 साल बाद जो भुगतान करना है, दसो वह भुगताना जड़ा कि फर्क होएगा जेकर ब्याज न साल बाद जोड़िया जाए, तो दूजे हालत में जे ब्याज न 6 महीने बाद जोड़िया जाए। आओ पहला पार्ट देखिए। पार्ट 1, पी इज इक्वल टू 80,000, आर इज इक्वल टू 10%, टी इज इक्वल टू कन्वर्शन पीरियड इज इक्वल टू 1, एंड एन इज इक्वल टू 1/2, 1.5 साल, ठीक है जी। नाउ फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर 1 ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर ऑन अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। देखो असं पूरे साल का तो ले सकते हैं, पर हाफ साल का जरा घात लेनी है वह थोड़ा मुश्किल है, वह हाले साढ़े चैप्टर नहीं है, इस सिलेबस नहीं है। सो असी करते हैं होल ईयर लेने, विल टेक द इंटरेस्ट कंपाउंडिंग फॉर होल ईयर, एंड दैन वी ट्रीट दैट अमाउंट एज प्रिंसिपल एंड एड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पार्ट ईयर, ठीक है जी। अगर इतने लिखा भी है, नाउ फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर 1 ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर ऑन अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। दस ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 रेज टू पावर एन, दैट इज इक्वल टू 80,000, पी 1 + 10/100, 0 कट गया, रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 80,000 इंटू 11/10, 10 × 10 और 11/10 इज इक्वल टू 88,000 आ गया, ठीक है जी। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर ऑन 88,000 एट द रेट 10% इज इक्वल टू 10/100 ब्याज इंटू अमाउंट 88,000 इंटू हाफ ईयर 1/2, ठीक है जी, 1/2 ईयर है ना, इंटू 1/2। सो 2 × 8, 2 × 8, 0 × 0 है, 1 0 गया, 0 गया, ठीक है। सो की आ गया 440, आ गया थोड़ा, अच्छा हाँ ए 440, हाँ यह आ गया 440, हाँ नो 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 नो, 1 मिनट, 20 आएगा, हाँ ओके, ठीक है जी। सो आ गया फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू 4400 आ गया, 88,000 प्लस 4400, सो यह आ गया थोड़ा 4 × 4 = 12, सो ₹92,400 आ गया, ₹92,400 आंसर। हूँ आ गया पार्ट 2, पार्ट 2 देखिए, P इज इक्वल टू 8,000, R इज इक्वल टू 10%, N इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2 × 2, 3/2, 3/2, एंड T इज इक्वल टू 2। नाउ A इज इक्वल टू P 1 + r/t 100 इंटू टी एन, दैट इज A इज इक्वल टू 80,000, 1 + 10/2 × 100, 2 × 3/2, सो 2 × 2 कट गया, 0 × 0 कट गया, सो आ गया 20, सो 20 × 20, 21 हो गया, सो 80,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 बिकॉज इट इज रेज्ड फॉर 3। ए बच्चों इतने ध्यान ना देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैन टी इज नॉट 1, वैन कंपाउंडिंग इज हाफ ईयरली दैन टी इज 2, वैन कंपाउंडिंग इज क्वार्टरली टी इज इक्वल टू 4, वैन कंपाउंडिंग इज डन एवरी 4 मंथ्स दैन टी इज इक्वल टू 3। सो इस गल का ख्याल रखना। सो यह की आ गया जी, ए 1, 2, 3, 0 गई, ठीक है जी, फिर 2 × 8 आ गया, फिर 2 × 4 भी गया, चलो ठीक है,
दो चौका दो चार दुनिया आठ दो 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 ऐसा ले चले गए. सो वी गेट 21 इंटू 21 इज 441 इंटू 21 तो एक जीरो इतने बच गया. सो 441 इंटू 210 इज इक्वल टू 92,610. दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 92,610. सो इन सेकेंड केस इट इज 92,610 एंड इन द फर्स्ट केस इट इज 92,400. सो एक हो गया देखो 400 610. सो द डिफरेंस इज 210 रुपीज. सो इन सेकेंड केस आई विल हैव टू पे अरीफ विल हैव टू पे 210 रुपीज मोर. वाई? बिकॉज द कन्वर्शन रेट वॉज मोर, द कन्वर्शन पीरियड वॉज मोर. सो यदा मतलब यह होया कि बच्चे कि इफ द रेट इज सेम पीरियड इज सेम बट इफ द कंपाउंडिंग इज डन यू नो मोर टाइम्स देन द अमाउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज मोर. सो वेन एवर यू गो फॉर अ लोन यू गो फॉर एनुअल कंपाउंडिंग नॉट द हाफ ईयरली कंपाउंडिंग. बट इफ यू गो फॉर इन्वेस्टिंग देन यू गो फॉर क्वार्टरली कंपाउंडिंग और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग रादर देन एनुअल कंपाउंडिंग. सो इस तरह तो उनको कमाई ज़्यादा होएगी. बट इफ यू गो फॉर लोन देन यू ऑलवेज आस्क फॉर एनुअल कंपाउंडिंग सो दैट यू हैव टू पे लेस अमाउंट. ठीक है जी. ऑन क्वेश्चन नंबर 7. मारिया इन्वेस्टेड रुपीज 8,000 इन बिजनेस. शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है जी. मारिया ने 8,000 रुपये किसी व्यापार के विच निवेश किए तो उन्होंने जोड़ा ब्याज दिता जाएगा वो 5% प्रति दर के हिसाब न कंपाउंडिंग जोड़ा कि हर साल जुड़ता हो दिता जाएगा. फाइंड पता करो पार्ट वन पहला भाग द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सैकेंड ईयर. कहिंदे पता करो कि वो खाते विच दो साल के अखीर में कितना पैसा जाएगा. ठीक है जी. दूजा द इंटरस्ट फॉर द थर्ड ईयर तो तीजे साल का ब्याज कितना होएगा. हुण तीजे साल अमाउंट नहीं दसना तीजे साल का ब्याज कितना होएगा तो दूजे साल के अखीर में कितना अमाउंट आएगा. हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ टू ईयर्स एंड वट वुड बी द इंटरस्ट फॉर द थर्ड ईयर नॉट एट द एंड ऑफ थ्री ईयर. तीसरे साल का ब्याज कितना होएगा. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली रीड द लैंग्वेज. दे वॉन्ट टू नो द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. ठीक है जी. इन द सेकेंड पार्ट. सो पार्ट वन पी इज इक्वल टू 8,000 आर इज इक्वल टू 5% एन इज इक्वल टू. वेरी क्लियर. ओके वी नो दैट ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो ए इज इक्वल टू 8,000 1+5/100 5 × 5 × 10 0. ठीक है जी. रेज टू पावर 2. सो है कि हो गया 8,000 इंटू V = V ते V जमा 21. सो 21/20 इंटू 21/20. सो एक जीरो गया ए जीरो गया ए जीरो गया. सो 2 × 4 ते 4 × 8 सो 2 बच गया. सो वी गेट 2 × 0 20 बचिया. 21 × 21 इज 441. सो 20 × 441 इज इक्वल टू 8,820. दस रुपीज 8,820 विल बी क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. ए आ गया पहला आंसर. अर्थात दूसरे साल वो खाते 8,820 रुपया पाया जाएगा. ठीक है जी. हुण आ गया सेकेंड पार्ट. इंटरस्ट फॉर द थर्ड ईयर विल बी इंटरस्ट फॉर 1 year एक साल वास्ते नॉट फर्स्ट ईयर. 1 year थर्ड ईयर फॉर 1 year ऑन अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. अर्थात जो दूजे साल में अमाउंट आ गया वो जो एक साल लिए ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा वो तीसरे साल का ब्याज होएगा. दस पी इज इक्वल टू अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू एवल आ गया 8,820 रुपये जो आया ए की है ए दूसरे साल के अखीर जो उन्हें अमाउंट मिले वो मूलधन बन जाएगा. जो उन्हें तीसरे साल का ब्याज कैलकुलेट करना है ना तो तीसरे साल का ब्याज कैलकुलेट करना मतलब कि दूसरे साल किन्ने पैसे आ गए थे. सो 8,820 आर इज इक्वल टू 5% एन इज इक्वल टू 1 एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हूँ तो कंपाउंडिंग का मतलब नहीं क्योंकि पहले साल जो ब्याज होंगे वो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वह कंपाउंड इंटरेस्ट हो बराबर होंगे. ठीक है जी. क्योंकि रेज टू पावर 1 इज 1. ठीक है ना. अगर किसी भी चीज़ एन रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू एन. सो चाहे जो पहला साल है वो सिंपल इंटरेस्ट इज सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो 5/100 है ब्याज इंटू 8,820 इंटू एन इज इक्वल टू 1. सो है 5×10 10 10 एक जीरो एन कट गया
सो यह बन गया 441 बचे है साढ़े पास। दस इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू रुपीज 441, अर्थात तीसरे साल का जो ब्याज है वो 441 रुपए है, इट इज 441। सो प्यारे बच्चों ऐसा दो सवाल होर इस वीडियो विच एक्सरसाइज 8.3 दे 6 और 7। सो अगले सवाल लैके जिहड़े बचे हुए ने वो तुहाडे कोल असीं अगले वीडियो विच लैके आवांगे। सो अगले वीडियो तक लई गुड बाय, रब राखा।